गाइस अब अगर आप देखोगे तो ये सेल में रियलमी जी टी मास्टर एडिशन मतलब बहुत ज़्यादा डिमांडिंग फ़ोन था। अब बहुत से लोगों को ये फ़ोन मिल गया और बहुत से लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी को मिस भी कर दिया है। सो यार सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही आ रहा है कि क्या भाई आने वाले टाइम में वापस से हमको ऐसे ऑफर्स देखने को मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। सो हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं हर्षवर्धन और आपने देखना शुरू कर दिया टेक ब्यूरो। सो गाइस अब सेल तो खत्म हो गई है और आप देखोगे तो ये सेल में ना रियलमी ने भर भर के मतलब एकदम धमाल मचा के रखा था। उसने भर भर के रियलमी जी टी मास्टर एडिशन बेचा है और अब यहाँ पे ना कुछ लोगों के कुछ कंप्लेंट्स भी है यहाँ पे। और जो लोगों ने ना ये अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया उनके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या भाई आने वाले टाइम में वापस से हमको ऐसे ऑफर्स वगैरह देखने को मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो यार सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में, बट यार वीडियो में और आगे बढ़ने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गाइस अब जो ये सेल चल रही थी इसमें आप देखोगे ना तो रियल मी जी टी मास्टर एडिशन पे बहुत तगड़े ऑफर्स लगे थे और ये जिस प्राइस पॉइंट पे मिल रहा था ना उस प्राइस पॉइंट पे ये काफ़ी कमाल की डील थी। वैसे हमने ना रियल मी जी टी मास्टर एडिशन की अनबॉक्सिंग की है और उस पर हमारे एकदम ऑनेस्ट ओपिनियंस दिए हैं, आप चाहेंगे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, डेफिनेटली आपकी कुछ ना कुछ वहाँ पे हेल्प हो जाएगी। और आप देखोगे ना तो उस वीडियो के नीचे मतलब कमेंट सेक्शन में बहुत से लोगों के कुछ कुछ डाउट्स भी थे, बहुत से लोगों के नहीं मतलब कुछ लोगों के, क्योंकि यार चैनल छोटा है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो कुछ लोगों के डाउट्स थे। किसी का ये डाउट था कि भाई मतलब मोबाइल को लेके था, किसी के मन में ये डाउट था कि भाई हमसे ये ऑफर मिस हो गया है तो क्या करें, आगे आने वाले टाइम में हमको वापस से ऐसे ऑफर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने यही ट्राई किया कि कमेंट सेक्शन में ही लोगों के डाउट्स क्लियर कर दें, बट जिनके नहीं हुए हैं उनके ना आज इस वीडियो के थ्रू हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये सेल में ना रियलमी ने ना मतलब कुछ रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। अब उसमें एक रिकॉर्ड ये भी है कि 20 से 30,000 वाला ये जो प्राइस पॉइंट है ना इसमें रियलमी ने सबसे ज़्यादा डिवाइसेस बेचे हैं और जो सबसे ज़्यादा डिवाइस बिका है वो यही है रियलमी जी टी मास्टर एडिशन। और ये चीज़ ना खुद रियलमी ने कन्फर्म किया है। अब उन्होंने एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया कि उन्होंने कितने मतलब डिवाइसेस बेचे हैं, बट उन्होंने ये कन्फर्म किया कि हाँ भाई 20 से 30,000 में हमने सबसे ज़्यादा डिवाइस बेचे हैं वो भी जी टी मास्टर एडिशन के। तो हमने भी कुछ वेबसाइट्स वगैरह चेक की कि भाई देखते हैं कि कहीं से क्या एग्जैक्ट नंबर हमको पता चलता है या नहीं पता चलता है, तो अभी तक तो नहीं पता चला। वैसे आपको अगर पता चलता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हमने ना एक गेस ट्राई किया मतलब एक गेस करने की कोशिश की, मतलब एक थोड़ा सा एक आइडिया निकाल रहे थे। तो देखिए ये आप इसको मतलब एकदम सीरियस मत लेना, ये जो नंबर हम लोग बता रहे हैं नंबर नहीं, सिर्फ एक गेस ट्राई किया हमने। क्या हुआ कि आप अगर आप फ्लिपकार्ट पे देखोगे सेल के पहले के टाइम पे, तो वो टाइम पे आप देखोगे ना तो फ्लिपकार्ट पे जो जी टी मास्टर एडिशन की रेटिंग थी वो कुछ 4-5 हज़ार के आसपास थी और अब सेल के बाद आप देखोगे तो कुछ 15-16-17 हज़ार तक पहुँच गई है। मतलब डेफिनेटली यार फ़ोन बहुत बिके हैं तभी इतनी रेटिंग भी बढ़ गई है ना। अब वैसे भी रियलमी ने बोला है तो सही ही बोला है, बट उन्होंने एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया है यहाँ पे। अब इसके बाद ना यहाँ पे कुछ लोगों के मन में कुछ कंप्लेन भी थी। अब अगर आप देखोगे तो जब ऑफर चल रहा था ना तो स्टार्टिंग के एक दो दिन जीटी पे ना जीटी मास्टर एडिशन पे बहुत तगड़े ऑफर्स लगे थे, उसके बाद उन्होंने ना जीटी मास्टर एडिशन की प्राइस 1-1.5 हज़ार से बढ़ाई है और बाद में वो बढ़ाते गए उसको, मतलब एक दो बार और बढ़ाया उन्होंने। तो अब मतलब यार ये गलत चीज़ है आप देखोगे तो, क्योंकि कुछ लोगों के पास स्टार्टिंग में पैसे नहीं रहते, वो बाद में प्लान करते कि भाई हम 2-3 दिन 4 दिन बाद ले लेंगे, क्योंकि 3 से 10 तारीख तक की सेल थी, कुछ 7-8 दिन की सेल थी, तो उनको ये पूरे 3 से 10 तारीख तक ये सेम ऑफर रखना चाहिए था ना। ऐसा थोड़ी ना कि आप फर्स्ट डे पे कुछ अलग ऑफर रख रहे हो, सेकेंड डे पे सेम फ़ोन पे कुछ अलग ऑफर कर रहे हो, तो ऐसे यार लोगों से मिस भी हो जाएगा। मतलब उनको क्लियर पता भी तो नहीं है ना कि भाई आप ऐसा करने वाले हो, तो कुछ लोगों से यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई अगर आप ऑफर रखते हो तो सेम ऑफर रखो। अब बहुत बार क्या होता है, पहली बात तो आप ये देखो रियलमी जी टी मास्टर एडिशन को आके कितना टाइम हुआ, 1-2-3 महीना हुआ रहेगा कुछ। अब स्टार्टिंग में इस फ़ोन का जो मतलब जो प्राइस पे बेचा गया वो 26-27 हज़ार पे ही बेचा गया और अब आप सेल में इसको 18,000, 19,000, 20,000, 21,000 में बेचे हो, तो पहली बात तो वो जो यूजर जिन्होंने 26-27-28 में लिया है वो तो अपने आप को एकदम ठगा महसूस कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ तो गलत ही है। मतलब आप स्टार्टिंग से ही एक प्राइस लगाओ, अच्छे एग्रेसिव प्राइस पे लाओ, कोई भी फ़ोन लाओ एकदम अग्रेसिव प्राइस पे लाओ, मतलब ऐसा बाद में करने की ज़रूरत ना पड़े कि भाई आप बाद में उसके प्राइस कम कर रहे हो ये वो। तो जो पहले भाई 26-27 पे ले लिया है उसके साथ तो धोखा हो गया है ना। अब यहाँ पे भी आपने यही किया, आपने पहले दिन मतलब जो ऑफर लगाए वो 19-19.5-20 के आसपास लगाए, फिर अगले दिन आपने उसको 1,000-1.5 हज़ार से बढ़ा दिया, तो यहाँ पे भी ये गलत हुआ। और यार इन सब चीज़ों की वजह से भी ना लोगों से ये सब ऑफर्स मिस हो गए हैं। बट अब ये सेल तो ख़त्म हो गई, बट लोगों के मन में अब यही डाउट आ रहा है कि यार क्या आने वाले टाइम में हमको वापस से ऐसे ऑफर्स देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो यार देखिए अब और भी सेल आनी है,
दशहरा सेल आएगी, फिर इसके बाद बिग दिवाली सेल भी आएगी, और बिग दिवाली सेल में भी बहुत तगड़े ऑफर्स लगते हैं। बट ऑफर देना है नहीं देना है ये कंपनीज का काम होता है। अब चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, या फिर कोई मोबाइल ब्रांड हो, ये लोग ना करंट मार्केट देखते हैं। इनके ना सेल्स एंड मार्केटिंग टीम होती है, बिजनेस मैनेजमेंट वाले होते हैं, ये लोग ना करंट मार्केट को देखते हैं और फिर देखते हैं कि किस चीज़ की डिमांड है, क्या है, मतलब इस सब चीज़ों को एनालाइज करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि भाई किस प्रोडक्ट पे क्या ऑफर देना है हमको। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि गारंटी के साथ कहना कि भाई आपको ऑफर मिलेगा ही मिलेगा। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, कभी अभी किए हो या नहीं किए हो वो मुझे नहीं पता, बट आगे आप नोटिस करना, कभी कभी क्या होता है ना, ये लोग बिग बिलियन डे सेल वगैरह में कोई फ़ोन पे अगर समझो इन्होंने ऑफर लगाया है और उस पर इनको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, मतलब वो बहुत ज़्यादा सेल वगैरह नहीं हुआ, तो ये लोग अगले सेल में ना उसके ऑफर को और तगड़ा कर देते हैं, मतलब और अच्छा ऑफर लगा देते हैं जिससे कि वो फ़ोन को ये लोग बेच सकें। और कोई अगर दूसरा फ़ोन है जिस पे इनको मतलब इन्होंने ऑफर लगाया उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल गया, तो ये पॉसिबल होता है कि अगला जो सेल है उसमें वो ऑफर में थोड़ा कटौती कर लें ये लोग। तो ये GT मास्टर एडिशन के साथ भी हो सकता है, मतलब पॉसिबल चीज़ें हैं, मैं गारंटी के साथ नहीं कर रहा हूं। तो अब आपको क्या करना है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको किसी भी सेल में, चाहे वो दशहरा सेल हो या कोई और सेल हो या फिर बिग दिवाली सेल हो, मतलब जहां पे भी आपको लगेगा कि हाँ GT मास्टर एडिशन एक अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, अगर आपको लगता है कि हाँ एक अच्छी डील मिल रही है मुझे, तो आपको डील को ग्रैब कर लेना है, मतलब उसी टाइम पे आप पकड़ लो डील को, आप कोई सेल वगैरह का मत देखो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सही प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है तो ले लो। तर अब इसके अलावा आपके मन में और भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, पिछले वीडियोस की तरह हम लोग इसको भी क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बट जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि चैनल पे हमेशा ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।